नमस्कार, ट्रीवी व्लॉग में आपका स्वागत है अनदर डे और अनदर व्लॉग के साथ। तो ये दो मैंने चाय के कूलर लिए हैं और इनमें मैं डाल रही हूँ मिट्टी। एक दो दिन मिट्टी डाल के रखूँगी, फिर इसमें पौधे लगाऊँगी छोटे छोटे से, वो मैं सारा आपका प्रोसेस दिखाऊँगी। तो अभी सिर्फ मैंने इनको पानी में भिगो के रखा था और मिट्टी डाल रही हूँ इनके अंदर, क्योंकि एक दो दिन हम इसमें मिट्टी डाल के रखेंगे तो वो मिट्टी थोड़ा सा नीचे बैठेगी और जो है फिर पौधे उगाने में सही रहेगा। या तो मैं ये लगाए पौधे लगाऊंगी इसमें, या फिर इसमें बीज डाल के खुद ग्रो करूंगी। जैसा भी होगा मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो ये मैंने दोनों इसमें डाल लिए, मुझे बहुत शौक़ है कि छोटे छोटे प्लांट लगाने का। तो अब मैं नहा धो के आ गई थी और ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी। ये मैंने आलू बॉइल कर लिए थे, आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ डोसा। तो ये डोसे का मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ आलू की। ये मैंने ऑयल गरम कर लिया और ऑयल में राई डाल दी। राई डालने के बाद प्याज डाल के पहले इसको भूनेंगे, फिर इसमें बेसिक से मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, बस मिर्च नहीं डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने आलू फोड़ लिए थे, पहले मैं इसमें मसाले डालूंगी सारे, हल्दी, वही बेसिक मसाले, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। ये डाल के थोड़ा सा इसको हल्का सा पानी डाल के इसको थोड़ा पका लेंगे। पकाने के बाद ये मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली है कलर के लिए, कि अच्छा कलर आए ग्रीन ग्रीन। ये डालने के बाद मैं इसमें उबले हुए आलू डाल दूँगी थोड़ा सा पकने के बाद, जब ये ऑयल छोड़ने लग जाएगा आसपास। अब मैंने ये आलू फोड़ लिए थे और ये कढ़ाई में डाल दिया, इसको मिक्स करके इसको एक दो मिनट तक, सिर्फ एक दो मिनट तक ही पकाना है, क्योंकि आलू गर्म है और ये ऐसे ये हमारी डोसे की स्टफिंग तैयार हो गई है। ये बिल्कुल रेडी है और मैंने जो डोसे का मटेरियल है वो भी तैयार कर रखा है, पीस के भिगोया था मैंने एक रात पहले, फिर पीसा, सब कुछ मतलब रेडी कर रखा है। वो मैंने आपको दिखाया नहीं, आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये दाल और चावल पीसा हुआ है। दाल चावल पीसने के बाद अब मैं इसको अलग बर्तन में निकालूंगी, क्योंकि मेरे को जितना मतलब थिंक या जितना जैसा भी चाहिए लिक्विड मैं इसको करूँगी पानी डाल के, क्योंकि इतने थिंक के तो नहीं बन सकते। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, पानी ऐड करने के बाद इसको चलाऊँगी। ना मैं इसमें सोडा ना नमक कुछ ऐड नहीं करने वाली। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसको चला लिया। अपने हिसाब से मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने क्या किया है, तवे को नॉन स्टिक करने के लिए मैंने आम तवे, मेरे पास नॉन स्टिक वो तवा भी है, लेकिन मैंने अपने जिसमें रोटी पराठे सब बनाते हैं उसी को ही नॉन स्टिक करने के लिए मैंने वही तवा लिया है, ताकि उसी पे ही अच्छे में बना के दिखाऊं, क्योंकि सबके पास वो वाला तवा नहीं होता। तो मैंने तवे के ऊपर पहले पानी का छिड़काव कर लिया, फिर इसको कपड़े से पोंछ लेंगे और प्याज का टुकड़ा इसके ऊपर रब करेंगे, ये इससे नॉन स्टिक बन जाता है। आप भी ट्राई करके देखना ऐसे, इससे नॉन स्टिक बन जाता है। रब करने के बाद इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे और फिर अपना जो है बैटर उसको फैला देंगे। देखिए ये फैल गया, ये मैंने पूरा मतलब तवा कवर नहीं किया, इतना ही बनाया। और ये तवा कितना अच्छा मतलब ये सिक रहा है, और देखो कितना अच्छा सिका है, कितने अच्छे ये बने हैं। और ये देखो, एक हाथ में कैमरा है तो एक हाथ से इस चीज़ को इग्नोर करना। जिसके मुँह में पानी आ रहा है जल्दी से आ जाओ। जो मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और ये मैं दोपहर को राइस तैयार कर रही हूँ। दोपहर को राइस तैयार करने के बाद, क्योंकि नहीं नहीं ये शाम की राइस है, क्योंकि दोपहर को मैंने दाल चावल बनाए थे, बच्चों ने खाए नहीं, तो मैं रीयूज़ कर रही हूँ। ये रीयूज़ कैसे कर रही हूँ, मैंने ओनियन डाली है इसमें, सब्ज़ी भी डाल सकती थी, सारी बच्चे सारी सब्ज़ी निकाल देते हैं, तो मैंने ओनियन डाली, इसमें नमक, धनिया और काली मिर्च ये डाल के, और राइस डाल दिया इसमें।
आलू, हाँ आलू फ्राई किए थे मैंने इसमें, मेरे पास बॉयल्ड आलू थे तो मैंने वो कट करके फ्राई किए थे। नमक, धनिया पाउडर और काली मिर्च डाल के ही सिर्फ मैंने इसको चावल को बनाया था, मतलब बने बनाए चावल थे ये, रीयूज करे हैं मैंने, और इतने टेस्टी लगे थे ये। बच्चों ने ये बहुत उससे खाया, अगर मैं इसमें सब्ज़ी डाल देती तो सारी सब्ज़ी निकाल देते। तो ये मेरे चावल भी काम आ गए, और कोई भी चीज़ में फेंकती नहीं हूँ, सारी यूज़ कर लेती हूँ। और मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ये भी बताना क्या मैं आप नया लेके आऊँ, ये भी ज़रूर बताना। और प्लीज़ आप देख के तो चले जाते हो वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये मेरी मतलब बन के तैयार हो गई, इन्हें फ्रेंच फ्राई भी कह सकते हैं, फ्रेंच फ्राई टाइप। ये मैंने धनिया ऊपर से गार्निश किया है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं इसमें सब्ज़ी डालती तो बहुत अच्छे लगते हैं। ओके बाय।